आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट में आपका स्वागत है। इज मून ए ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी? ओके, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि ये मून है वो ल्यूमिनियस बॉडी है या फिर नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। सो इसका आंसर होगा मून इज ए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। मून is a non-luminous body. Okay, so finally अब हम बात करते हैं कि luminous and non-luminous body होती क्या है, कि हमें पता कैसे चला कि moon है वो non-luminous body है। Okay, so हम starting करते हैं luminous body से। luminous body, okay, so luminous body are those which emit their own light. ओके, सो ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, जो कि खुद से लाइट को उत्सर्जित करती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमिनस बॉडी। सो एग्जांपल देखिए इनका, एग्जांपल सन, स्टार्स, बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा। ओके, ये ल्यूमिनस बॉडी के एग्जांपल हो गए अपने, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी की। नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ओके, सो ये क्या होते हैं, सो नॉन ल्यूमिनस बॉडी आर दोज बॉडीज आर दोज body which does not emit their own light. okay, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जो कि स्वयं से लाइट को इमिट नहीं करते हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल होंगे अपने मून, अर्थ, प्लांट एक्सेट्रा। सो हमने मून को क्यों कहा कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, क्योंकि जो मून होता है वो लाइट को खुद से इमिट नहीं करता, बल्कि सन से आने वाले रेज से वो लाइट को इमिट करता है। ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो इमिट होती है। ओके, सो हमने देखा कि मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। ओके, होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।